हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीताज लाइव। और मैं हूँ संगीता। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बनाना फ्लावर चॉप रेसिपी। ये जो बनाना फ्लावर है ना, बनाना फ्लावर का जो मैंने एक बनाना फ्लावर को काटी थी उसका हाफ मैंने मेरा जो लास्ट ब्लॉग किया उसमें मैंने करी बनाया और हाफ मैंने रख दिया था, उसका मैं चॉप बनाऊँगी। अभी मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 6 बजे से, तो 6 बजे अभी स्नैक्स टाइम है। चाय के साथ मैं सोच रही हूँ चॉप दूँगी मेरे इन लॉज को, तो इसलिए मैं अभी चॉप बनाने आ गई हूँ। तो मैं ये चॉप बनाने का रेसिपी आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो मैंने कढ़ाई में रख दिया है, डाल दिया है जीरा और चॉप्ड जिंजर गार्लिक 1 टेबल स्पून करके हमने डाला है। और बनाना फ्लावर को मैंने पहले से ही बॉईल करके और उसको बहुत अच्छे से निचोड़ के रख लिए हैं। थोड़ा टाइम बाद मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। और ये जब जिंजर गार्लिक और जो ये जो जीरा हमने डाला है ये थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए तब मैं डालूँगी चॉप्ड अनियन। अनियन को भी मैंने पहले से ही चॉप्ड करके रख दिया था। अभी 6 बज रहा है तो अभी मैंने चॉप बना के और फिर चाय के साथ दूंगी। एक बार चाय मैं दे चुकी हूँ, दोबारा मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब तक चाय भी बना लूँगी दोबारा एक बार और ये चॉप भी दूंगी। अभी मैंने मेरा घर का जो सांस बाती दिखाना रहता है वो सब मैंने दिखा लिया। और इसके लिए मैंने डालूँगी थोड़ा सा शक्कर और हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला के पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, बस इतना ही मसाला इसमें डालूँगी। सब हाफ हाफ टी स्पून करके हमने लिया है। और ये देखिए मैंने आप डाल रहे हैं अनियन, अनियन को चॉप करके तो मैंने पहले से रख दिया था अनियन। और जो ग्रीन चिली 3-4 हमने डाले हैं इसमें। और अनियन को थोड़ा सा इसे भून लूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम भूनना नहीं है, थोड़ा सा ब्राउन करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ये ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं डालूँगी मसाले वगैरह डालूँगी इसके बाद। आप सारे जो अनियन है थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, पूरा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि चॉप बनेगा तो बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का जब ब्राउन हो जाए अब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, नहीं तो फिर ये जो मसाले है ना वो जल जाएगा, मसाला ना जले इसलिए पानी ऐड करके गैस को मैंने स्लो रखा है। स्लो गैस में इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। जितना अच्छे से इस मसाले को भून के रेडी करेंगे ना उतना ही टेस्टी चॉप बनेगा। बस इस चॉप बनाने का यही एक ट्रिक है, ये मसाले को बहुत अच्छे से रेडी करना रहता है। मसाले जितना अच्छे से रेडी होगा चॉप उतना ही टेस्टी होगा। मसाले भून जाने के बाद ये जो बॉयल्ड और बॉयल्ड करके मैंने पहले से रखा था जो बनाना फ्लावर है और इसको मैंने निचोड़ लिया था, इसलिए इसको कम लग रहा है क्वांटिटी क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से निचोड़ लिया। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, पानी अगर रहता है ना तो जो चॉप बनता है वो चॉप पिचिर पिचिर करता, टेस्ट भी नहीं आता है, इसलिए पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। पानी जितना अच्छा से जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैंने निचोड़ लिया। और बाकी अगर कुछ है तो ये जब मसाले जब ये इसको जब भुनेंगे ना तो इसमें एक्स्ट्रा जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। सारे गैस को मैंने स्लो रखा है क्योंकि नहीं तो फिर मसाले जल जाएगा, नीचे बैठ भी जाता है। गैस को स्लो रख के इसको बहुत अच्छे से भूनना है। ये जब अच्छे से एकदम भून जाएगा ना, मैंने 2 मीडियम साइज़ का पोटैटो को बॉयल करके रख लिए थे, इसमें पोटैटो जो मैश्ड पोटैटो इसको इसमें डालना है, नहीं तो फिर इसका जो बाइंड नहीं बनेगा। तो इसको बाइंड करने के लिए एक पोटैटो मैश्ड पोटैटो इसमें डालना रहता है, नहीं तो फिर ये फ्लावर है ये तो अच्छे से बाइंड इसका होगा नहीं। इसको बाइंडिंग के लिए डालना है पोटैटो, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना है तब पोटैटो का टेस्ट आ जाएगा, आलू चॉप लगेगा। पोटैटो उतना ही डालना है जितने में ये अच्छे से बाइंड हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि ये मेनली है बनाना फ्लावर चॉप। तो बनाना फ्लावर का जो फ्लेवर है और उसका वो ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए उतना ही पोटैटो हम ऐड करेंगे जितना ज़रूरत है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काजू। एक्चुअली इसमें रोस्टेड जो बादाम आता है ना, सिंपल जो मूंगफली वो डाला जाता है। मूंगफली मेरे पास नहीं था बोल के मैं इसमें काजू ऐड कर रही हूँ। कोई कोई इसमें किशमिश भी ऐड करते हैं, मैं भी किशमिश इसमें ऐड करती हूँ, बट मेरी जो मदर इन लॉ को किशमिश पसंद नहीं है, मतलब मीठा चीज़ उनको अच्छा नहीं लगता है बोल के मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन किशमिश इसमें अच्छा लगता है। चाहे तो किशमिश और जो मूँगफली रोस्टेड मूँगफली को पहले से रोस्ट कर लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा,
आएगा, उसका जो रॉ स्मेल है वो रहेगा तो बिल्कुल ख़राब लगेगा। तो रोस्टेड मूंगफली इसमें डालने से ना बहुत टेस्टी होता है। जो बंगाल में जो ये स्ट्रीट फूड है, एक्चुअली बंगाल का ना ये स्ट्रीट फूड है, शाम के टाइम बहुत चॉप मुड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, और मोचा चॉप बोलते हैं बंगाली में इसको, तो मोचा चॉप बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसमें तो ये सब कंपल्सरी रहता ही है, माने मूंगफली रहता ही है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे काजू मैं डाल दे रही हूँ, और ये जो मैस्ट आलू और जो बनाना फ्लावर है इसको अच्छे से भून लेना है, जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ता। ये अब रेडी हो चुका है मेरा, ये जो फिलिंग्स है एकदम रेडी हो गया है। धनिया पत्ता डाल के इसको बस मिला लूँगी और इसको बंद कर दूँगी गैस को। मेरा फिलिंग्स एकदम बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी, हो गया ये एकदम रेडी। अब मैं बैटर बनाऊंगी। बैटर के लिए मैंने लिया है बेसन। बेसन में डालेंगे हल्दी और नमक, और हल्दी और नमक डाल के और इसको पानी देके एक अच्छा सा बैटर बना लूंगी। अब मैंने इसमें ना हाफ टी स्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से ना इसका बैटर खूब फूलेगा भी और मतलब सॉफ्ट भी बनता है, इसलिए हल्का सा मैंने बेकिंग सोडा भी इसमें ऐड कर दिया है। अब देखिए इस तरह से जो हमने फिलिंग्स जो बनाया था इसको ऐसे गोल गोल ऐसे हाथ में लेंगे, लेके घुमा घुमा के इसको ऐसे गोल गोल करने के बाद इसको ऐसे हाथ देके हल्का हल्का करके ऐसे चपटा कर लेंगे। अब अपने हिसाब से चाहे लंबा लंबा भी बना सकते हैं, हम जैसे आलू चॉप बनता है ना तो इस टाइप का गोल गोल करके ऐसे करके बनाएंगे मोचा चॉप। इस तरह से सारे हमने बना के रख लेंगे, और ये जो फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अंदर का जो फिलिंग्स है वो तो बिल्कुल पका हुआ है, और जो बाहर का जो लेयर रहेगा उसको ज़्यादा फ्राई करने में टाइम भी नहीं लगेगा। हाई हीट में बहुत जल्दी बन जाता है ये, क्योंकि अंदर तो कुछ पकाना नहीं है, अंदर तो सारा पका हुआ है और ऊपर वाला जो बैटर है उसी को जस्ट फ्राई करना रहता है। बस इस बैटर को बैटर में इसको डिप करेंगे और एक एक चॉप ऐसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम है मेरा गैस, 5-7 मिनट बाद फिर ये मतलब इसको पलट दूंगी तो दोनों साइड इसका चॉप को दोनों साइड से बहुत अच्छा से रेड करके फ्राई कर लूँगी। अभी तुरंत तुरंत नहीं पलटना है, थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि अभी एकदम सॉफ्ट होगा।
ये देखिए चॉप बनके मेरा एकदम रेडी है और मैं जा रही हूँ चॉप, ये वाला चॉप मैं दे के आऊँगी। इसको मैं शार्प करूँगी, जो टमेटो केचप और जो सरसों का मास्टर सॉस आता है ना, तो उसके साथ मैं इसको शार्प करूँगी। मैं दे के आती हूँ, फिर जो नेक्स्ट वाला स्टेप है वो मैं फिर से करूँगी। मैं आ गई हूँ दे के, फिर दूसरा मैं बनाऊंगी वो खाते खाते, क्योंकि गरम गरम अभी ये अच्छा लगता है। तो जब फिनिश होते होते फिर दूसरा भी बन जाएगा मेरा। आप, मैं रात में डिनर के लिए बनाऊंगी। मैं आ गई हूँ, सारा जो टिफिन था वो ख़त्म हो गया है, और रात में डिनर के लिए मैं फिर आ गई हूँ किचन में। तो मैं आज बनाऊंगी पत्ता गोभी का भुजिया, और तो रोटी और चटनी वगैरह है, और सबका पेट थोड़ा थोड़ा भरा हुआ है क्योंकि अभी मैंने चॉप वगैरह दिया था, सब लोग खाए हैं, तो बहुत ज़्यादा उन लोगों को खाना नहीं है, दूध भी है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसे भुजिया बनाऊँगी। तो इसलिए मैं आज पत्ता गोभी को मैंने काट लिया है और भुजिया बनाने के लिए, और कढ़ाई में गरम तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। और जीरा जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का ऑनियन, चॉप्ड ऑनियन। ऑनियन जब से ऑनियन को थोड़ा सा डार्क ब्राउन करके इसमें फ्राई करना है, और ऑनियन जैसे ही फ्राई हो जाएगा, पत्ता गोभी के भुजिया में मैं बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ डालती नहीं हूँ, भुजिया तो भुजिया होता है, एकदम हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा मसाला दे के बनाना है। और बस ये ऑनियन जब फ्राई हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे पत्ता गोभी। आज का डिनर मेरा बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि अभी अभी सब लोग खाए हैं, तो खाने का बहुत ज़्यादा इच्छा है नहीं, तो इसीलिए। और इसमें थोड़ा सा मैं आलू भी डालती हूँ पतला पतला करके, आलू डालने से ना इसका फ्लेवर अच्छा रहता है, एकदम सिंपल जो स्ट्रेट पत्ता गोभी ठीक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मेरा फादर इन लोग को नहीं अच्छा लगता, उनको वो थोड़ा सा आलू डालने से उनको अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आलू डाला है, ज़्यादा नहीं एकदम थोड़ा सा, एक मीडियम साइज़ का आलू डाले हैं। अब इसमें हम डाल देंगे, बहुत बारीक बारीक करके हमने काटे हैं पत्ता गोभी को, तो पत्ता गोभी को वॉश करके मैंने रख दिया था, उस पत्ता गोभी को डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और हल्का सा सब्जी मसाला, बस नमक बस, और इसको भून लेंगे।